हाँ तो भाई लोग कैसे हैं आप? बढ़िया। अगर नहीं कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो को देखिए हो जाएंगे, क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं एक एक्स वायरल मीम ट्रेंड के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के बारे में। बिस्कुट जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो, बिस्कुट। आई एम 100% श्योर गाइस कि आपने कभी ना कभी इनके मीम्स को भी देखा होगा और इनके ऊपर बने वीडियोस को भी। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। आई एम 100% श्योर अभी तक किसी भी व्यक्ति ने इस तरीके की वीडियो अनिरुद्ध आचार्य जी को लेकर नहीं बनाई होगी जैसी मैं बना रहा हूँ। और नो डाउट जो आप लोगों का ओपिनियन है उनको लेके आज के इस वीडियो को देखने का तो पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरे ख्याल से इतना ओवरव्यू काफी होगा, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो भाई, बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। बिस्किट क्या होता है? विश का किट। और इसके ऊपर एक से एक मीम्स बने, एक से एक वीडियोस बनी। देखो मैं रैशनल थिंकर हूं और बहुत क्लियर कट बोलना चाहूंगा कि अगर आप एंटरटेनमेंट पर्पस से किसी भी चीज को बना रहे हो, नो डाउट इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपका इंटेंशन एंटरटेनमेंट होना चाहिए, ना कि फेक नैरेटिव या फॉल्स न्यूज को स्प्रेड करना, जो आज की डेट में अनिरुद्ध आचार्य जी के केस में हो रहा है। आपको इनके इंस्टाग्राम पे एक से एक मीम्स दिख जाएंगे जिसके ऊपर लोग हंसते हैं, और हिंदुओं से ज्यादा विधर्मी हंसते हैं। लेकिन क्या वाकई में अनिरुद्ध आचार्य जो है वो इसी तरीके के व्यक्ति है? क्या सिर्फ इनके अंदर गलतियां ही हैं, या फिर इनकी जिस इमेज को पोर्ट्रे किया जा रहा है वाकई में वो उसी तरीके की है, या फिर कोई और भी फेस है जो अभी तक आपके सामने नहीं आया है? कोई दिक्कत नहीं है, आज आ जाएगा। अनिरुद्ध आचार्य महाराज जो कि एक कथावाचक है और अपनी कथाओं के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, इनके ऊपर काफी सारे मीम्स बन रहे हैं, रोस्ट वीडियोस बन रही हैं, और साथ ही साथ इनके ऊपर बन रहे एक्सपोज वाले कॉन्टेंट। अब मेरा सवाल आम जनता से है कि इनको किस बात के लिए एक्सपोज किया जा रहा है? मतलब इनके ऊपर ऐसे कौन से एलिगेशन लगे हैं जो अब तक आपको नहीं पता था लेकिन अब आपको पता चल गया? क्या वाकई में अनिरुद्ध आचार्य के ऊपर वैसे ही एलिगेशन लगे हैं जैसे राम रहीम के ऊपर लगे थे, या फिर बोला जाए तो राम पाल के ऊपर लगे थे? क्या कोई ऐसे एलिगेशन लगे? आई एम 100% श्योर ऐसे कोई एलिगेशन नहीं लगे। तो फिर अनिरुद्ध आचार्य को एक्सपोज किस बात पे किया जा रहा है? और इस सवाल का मेरे पास भी जवाब नहीं है। इस व्यक्ति ने ऐसा क्या कर दिया जो आप इसे फेक हिंदू, फ्रॉड हिंदू, या फिर इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं जैसे इसने बहुत ही बड़ा क्राइम कर दिया? और नो डाउट पता ही नहीं किसी को कि क्या क्राइम किया है। अब देखिए रोस्ट और मीम पे से तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि इस व्यक्ति ने क्या गलत किया, क्योंकि उसमें खुद आधे अधूरे फैक्ट्स दिखाए जाते हैं। जब आपको सर्टिफाइड इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप कहां जाएंगे? सर्टिफाइड न्यूज पोर्टल के पास। तो जैसे आप जाएंगे वैसे ही मैं भी गया, और मुझे क्या मिला? द लल्लन टॉप न्यूज चैनल। अब थोड़ा सा लल्लन टॉप न्यूज चैनल के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ये लोग बहुत अच्छा फैक्ट चेक करते हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पे आती है कि जब कोई व्यक्ति किसी समुदाय विशेष के लिए कुछ गलत कह देता है या उसको लेकर कुछ कह देता है तब ये फैक्ट चेक करने आ जाते हैं। जैसे आपको पता होगा कि पूर्व प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की जो वीडियो है उनको किस तरीके से फैक्ट चेक किया था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कभी कहा था कि देश के संसाधनों पर एक ही समुदाय का हक है? हमने तथ्य जांचे तो ये दावा गलत लगा। इसी तरीके से जब विकास देवी कीर्ति ने हिंदुओं को लेकर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी उस वक्त पे हमारे जो लल्लन टॉप वाले भाई हैं इन लोगों ने उनको बुलाया और फैक्ट चेक किया। लेकिन ये सारी चीजें तब नहीं हुई जब नुपुर शर्मा एक कॉन्ट्रोवर्सी में फंसी थी। इस चैनल के ओनर का जरूरी स्टेटमेंट आया था जब नुपुर शर्मा को कॉल किया था और उन्हें बोला था कि आ जाओ, लेकिन वो नहीं आए। और यहाँ पर मेरी नुपुर शर्मा से मुलाकात हुई। नुपुर शर्मा चूंकि उस समय लगातार ऑनलाइन ट्रायल चल रहा था उनके खिलाफ सोशल मीडिया का और धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी, इसलिए उन्होंने उस समय बातचीत करने से मना कर दिया। हमने उनसे पूछा कि इस मुद्दे पर आप अपना पक्ष रखना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं डील कर रही हूँ इन सब से। लेकिन रियलिटी कुछ और है। नुपुर शर्मा और उनके जानने वाले बहुत सारे करीबियों ने इस चीज को बहुत अच्छे से कंडम किया कि नहीं, इस तरीके की कोई भी बात सौरभ सिंह की तरफ से नहीं हुई। लीव असाइड दैट नुपुर कंफर्म्स टू मी ही वाज नेवर एवर डायरेक्टली इनवाइटेड बाय लल्लन टॉप टू एक्सप्लेन हर साइड। व्हाई कुडंट यू इंडिपेंडेंटली फैक्ट चेक व्हाट शी हैड सेड एंड प्रिवेंट रायट्स एंड यानी कि ये फॉल्स नैरेटिव था कि इन्होंने नुपुर शर्मा को अपने शो में बुलाया। खैर इतनी देर में आप समझ गए होंगे कि लल्लन टॉप के बारे में मेरे क्या विचार हैं और ये किस तरीके के फैक्ट चेक करते हैं। नाउ अब अपन चलते हैं कि एक्सपोज्ड वाले कंटेंट पे जिसमें इन्होंने अनिरुद्ध आचार्य को जो है वो बुरी तरीके से एक्सपोज कर दिया। मतलब जब से मैंने इस वीडियो को देखा ना तब से मैं साथ में कल्प्रिट मानने लगा। मतलब बताओ कितना बड़ा क्रिमिनल है यार। फिर आई उसको इतनी ज्यादा मैंने हाई बना दी लल्लन टॉप की वीडियो की तो आपका देखने का मन कर रहा होगा। तो चलिए अब लल्लन टॉप की वीडियो पे चलते हैं। लोगों से बातचीत के दौरान कुछ भी कह देने की आदत के लिए जाने जाते हैं, जैसे शराब और गुटखा का सेवन करने वाले दो कौड़ी के लोग होते हैं। अब मेरे को आपसे जानना है इसमें क्या गलत? मतलब नो डाउट हम पी रहे हैं, हम खा रहे हैं तो हम इसको सही मानते हैं, लेकिन इन दी एंड इसका जो रिजल्ट है वो गलत ही होता है, कैंसर ही होता है ना इन सारी चीजों से। और वाकई में अगर कोई व्यक्ति ये सब चीजें खाता है तो वो अपने परिवार को बर्बाद करता है। अगर इनके समय से कर भी रहे हैं तो हम सही तो नहीं कर रहे। मतलब अगर हम ये चीज कर रहे हैं तो हम सही तो साबित नहीं हो जाते। इन दी एंड इसका जो रिजल्ट है वो गलत ही है कि नहीं? एक वायरल वीडियो में अनिरुद्धाचार्य एक महिला से पूछते हैं कि शादी हो गई है? जवाब मिलता है हाँ। तो अनिरुद्धाचार्य का अगला सवाल होता है कितने पति हैं? स्त्री विरोधी कमेंट्स में भी बाबा का हाथ तंग नहीं है। वायर ये तो स्त्री विरोधी हो गया। हाँ बुरा वीडियो दिखाने का कष्ट नहीं करेगा लल्लन टॉप। इतना सा वीडियो जो एक रैंडम मीम पेज ने डाल रखा है उससे मेरी बात भी लड़के से उसने डाल रखा है उसको उठा के इन्होंने बोल दिया कि बताओ कितना गलत आदमी है। इनफैक्ट इस चीज के ऊपर बहुत सारे रोस्ट वीडियोस भी बने। पूरा वीडियो किसी ने देखने की कोशिश नहीं की। आपकी शादी हो गई? हां जी हो गई। पति कितने हैं? पति तो एक ही है। एक है?
एक ही है? हाँ जी हाँ जी। फिर ठीक है, तो जब पति एक है तो दूसरा हो सकता है? फिलहाल तो नहीं। भविष्य में? भविष्य में भी नहीं। हाँ, तो जैसे फिलहाल में भी नहीं और भविष्य में भी नहीं, पति दूसरा नहीं हो सकता, ऐसी भगवान दूसरे न फिलहाल में हो सकते हैं न भविष्य में हो सकते हैं। भगवान तो एक थे, एक है, एक ही रहेंगे। इस वीडियो में बाबा जी क्लियर कट एक बात बोल रहे हैं कि भैया जैसे आपके पति एक होते हैं ना, सिर्फ एक होते हैं, वैसे ही भगवान भी एक ही होते हैं, भगवान अलग अलग नहीं होते हैं। ये सिंपल सी चीज को समझाना चाह रहे हैं। स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा या फिर बोला जाए तो बोल दिया होगा। आप इस बात पर रोस्ट कर सकते हैं लेकिन पूरा कॉन्टेक्स्ट दिखाए बिना आप ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति स्त्री विरोधी है। विवादों के बाबा अनिरुद्धाचार्य फिलहाल बिस्कुट पर दिए अपने बयान के कारण चर्चा में। हाँ यार भाई, काफी विवादित और काफी बड़ा बयान था ये बिस्कुट वाला। मतलब जैसे ही इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया ना, देश में अफरा तफरी मच गई थी। पार्ले जी वाले तो अपना पासपोर्ट और वीजा ढूंढने लगे थे कि अब इंडिया छोड़कर जाना ही पड़ेगा, भैया अनिरुद्धाचार्य ने बिस्कुट बोल दिया है। जनरली गाइस, आप लोग मुझे बताओ ये बिस्कुट वाले स्टेटमेंट में क्या विवादित चीज थी? और अगर अपन इसके कॉन्टेक्स्ट में चले जाएं तो नो डाउट एक आदमी यही तो कह रहा है कि बिस्किट मत खाओ क्योंकि इसमें मैदा और शक्कर होता है। बिस्किट में सिवाय मैदा और शक्कर के क्या है? शक्कर भी नुकसानदायक है और मैदा भी नुकसानदायक। जब तुम्हें डॉक्टर मैदा और शक्कर खाने को मना करता है तब तुम हाँ में हाँ मिला के आ जाओगे? तो मैं उनको बोलूं कि भाई आप ब्रेड और बिस्किट आपको बंद करना है, ये रिफाइंड फ्लावर है, मैदा है, ये अच्छी चीज नहीं है, आप बंद कीजिए। बॉर्बन में सीमेंट या कोई भी बिस्किट में क्या है, तीन ही चीज होता है, शुगर, पाम ऑयल, मैदा। ये तीन इंग्रेडिएंट होगा। द नेट अजेसी बॉर्नविटा में द नेट नेगेटिव इंपैक्ट इज ऑफन मोर देन कोक। द नेट नेगेटिव इंपैक्ट इज मोर इन बिस्किट्स देन इन चॉकलेट्स बिकॉज़ वी आर हैविंग मच मोर ऑफ इट। एंड अगेन द इशू इज कि पीपल डोंट नो कि वो अनहेल्दी है। लेकिन एक आदमी ने सार्केस्टिकली वे में बोल दिया, अपनी कहानी बना के बोल दिया तो वो कल्प्रिट हो गया आपके हिसाब से भी और ये ललनटॉप वालों के हिसाब से भी। दिसंबर 2022 में जयपुर में आयोजित एक भागवत कथा समारोह में अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था। कहा था कि लड़कियां पढ़ाई लिखाई करने के बाद सिनेमाघरों में फिल्म देखने चली जाती हैं इसलिए उनके टुकड़े कर दिए जाते हैं। बयान पर बवाल मचा तो अनिरुद्धाचार्य को माफी मांगनी पड़ी। लेकिन इसे कहते हैं क्लियर मैनिपुलेशन। अनिरुद्धाचार्य के ऊपर जो केस हुआ है ना, वो इस स्टेटमेंट के लिए नहीं हुआ जिसको आपने पोर्ट्रे करके दिखाया। इस स्टेटमेंट से पहले जो स्टेटमेंट था ना, उसको लेके अनिरुद्धाचार्य के ऊपर केस हुआ था। और वो भी इस बात पे केस नहीं हुआ था कि महिलाओं को लेकर कुछ बोला गया था, नहीं, इन्होंने मां सीता और मां द्रौपदी को लेकर जिस तरीके की बात बोली थी उसके चलते इनके ऊपर केस हुआ था। आई बात समझ में? तो पॉइंट इज दैट आप अपने आप को एक न्यूज चैनल क्लेम करते हैं तो आप इतनी जिम्मेदारी तो रखिए ना कि एक आदमी जिसका आप स्टेटमेंट दिखा रहे हैं कुछ और केस हुआ है किसी और बात और आप लोगों को मैनिपुलेट ऐसा कर रहे हैं कि इस व्यक्ति ने 35 टुकड़े वाली बात की ना तब इसके ऊपर केस हो गया। अब हाँ, जिस स्टेटमेंट को ये विवादित मान रहे हैं एक बार इस पूरे स्टेटमेंट को आप सुन लीजिए। कहता था मैं का क्या चक्कर चल रहा है, मत पढ़ो चक्कर में, कोई सुनने को तैयार नहीं। मैं बाप से भी कहता था बेटी पढ़ने गई परदेश में तो माँ बाप को थोड़ी नजर रखनी चाहिए, बेटी पढ़ ही रही है कि क्या कर रही है, सारी बातें मैं हर कथा में लगभग कहता हूँ। काश सुनते होते तो। लड़की श्रद्धा ने क्या किया उस लड़के से? प्यार किया, प्रेम किया, और प्रेम किया तो कितने टुकड़े हो गए शरीर के? 35 टुकड़े हो गए। यदि सच्चा प्रेम होता दुनिया का लड़का लड़की वाला तो 35 टुकड़े कैसे हो जाते? इससे सिद्ध हो गया ये लड़का लड़की जो भी स्कूल कॉलेजों में प्यार करती है झूठा है, केवल शरीर की हवस वासना पूरी करने वाला ये केवल एक ढोंग है जिसे प्रेम का नाम दे दिया जाता है। आपने इस पूरे स्टेटमेंट को सुना, आपको समझ में आ गया होगा 35 टुकड़े वाली बात किसके लिए कही गई। नो डाउट श्रद्धा और जो आफ्ताब वाला केस था उसके लिए। कुल मिलाकर महाराज ने लग के ऊपर बोल दिया तो नो डाउट ये तो गलत हो ही गया क्योंकि एज अ ध्रुव राठी सब्सक्राइबर और एज वेल ललन टॉप इनके हिसाब से लगता है कॉन्स्पिरेसी है जिसको भगवा डालने वालों ने फैलाया है। दैट्स इट। आई सो जिस चीज को ये अभद्र और विवादित बता रहे वो ऐसा केस था जिसको देखने के बाद हर आदमी की रूह कांप गई थी। नो डाउट वो लोग जिनको आज भी सेकुलर का चश्मा लगा है ऐसी घटनाओं को जब एक्सपोज किया जाता तो चश्मा उतरता है और जो ये चश्मा लगाए हुए हैं अभी तक उन्हें ये चीज अभद्र और विवादित लगती है। इसमें इन्होंने एक चीज और ट्विस्ट करके दिखा दी कि महाराज जी का ये कहना है कि लड़कियां सिनेमा जाती हैं और उनके मां बाप जो अच्छे संस्कार नहीं देते उनके साथ ऐसी हरकतें होती हैं। देखिए पहली चीज मैं पूरे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आप पूरे वीडियो को देखिएगा, आप समझ जाएंगे किस तरीके से इन्होंने ट्विस्ट किया। ओके, दूसरी और क्लियर बात, अगर संस्कार वाली बात से आप थोड़े से ऑफेंड हो रहे हैं क्योंकि नो डाउट आप आज की जनरेशन है, आप थोड़े से वोक हो सकते हैं, अगर आप नो डाउट ये संस्कार वाली बातों से ऑफेंड हो रहे हैं स्पेशली लड़कियां और खासकर हमारे वोक जो टीनेजर्स हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा हर जगह पे ये बातें होती हैं मेरे दोस्त। संस्कार देना कोई भी गलत बात नहीं है, बस प्रॉब्लम ये है कि बाबा कैसे ऐसी बात कर रहा है यार। हां, बाबा की जगह अगर कोई रैपर बात कर देता, इनफैक्ट जैसे डीनो ने तो की भी हुई है। पाते हो खयाना दीपाते हो अच्छे संस्कार, फिर किसने कहा था कि भैया कर लो परिवार। इन्होंने अच्छे संस्कार की बात कर दी तो ये रिलेटेबल हो गया, लेकिन ये ऑफेंसिव हो गया। बाबा ने कैसे करी, ये तो पैट्रियार्की कर दी इसने, है ना। देखिए पॉइंट इज दैट बाबा बोले डीनो जैन संस्कार की बात अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो सही बात कर रहा है, कोई गलत चीज आपको नहीं सिखा रहा। अच्छे आचरण अच्छे संस्कार हर व्यक्ति के अंदर होने चाहिए, इनके अगर आपके अंदर नहीं है तो आप अच्छे इंसान नहीं है। देखिएगा नो डाउट हम पूरी वीडियो को फैक्ट चेक कर सकते हैं, इनफैक्ट बीच में और भी इन्हें ब्लेंडर करें उन्हें भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं खींचूं, आपको सिंपल शब्दों में चीजें समझा जाऊं, ये मेरा पॉइंट है। इनकेस अगर वाकई में आपको लगे तो मैं आगे चल के पूरी वीडियो को फैक्ट चेक कर दूंगा। अभी के लिए नहीं रहने देते।
है, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी और बात करना चाहूंगा अनिरुद्ध आचार्य के बारे में, लेकिन उससे पहले करते हैं उन एलिगेशंस की जो अनिरुद्ध आचार्य के ऊपर लगते हैं। पहला एलिगेशन, ये उल्टा सीधा बोलते हैं, नो डाउट उन्हें पता है कि वो उल्टा सीधा बोलते हैं। हां बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए हम लोग दिन भर 3.5 घंटे रोज बोलते हैं, कई बार हम वो बोल देते हैं जो हमारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, धारा प्रवाह में निकल जाता है, पर निकल जाए तो हमें उसका सार तत्व ग्रहण कर लेना चाहिए, और जहां लगता है कि हां हमारे मुंह से गलती हुई तो क्षमा मांग लेने में कोई अपराध नहीं है। कई बार होता है, बहुत बार होता है, बहुत बार हो चुका है, तो बहुत बार निकल जाती है धारा प्रवाह में, कुछ उल्टा गलत शब्द निकल जाता है जो अशोभनीय है, और उन गलतियों से हम सीखते भी हैं, सुधारते भी हैं, और सुधारता सारी जिंदगी हमें सुधारना ही है। देखिए हमारे धर्म ने हमें डे 1 से सिखाया है कि सवाल करो, और ये सब हमारे धर्म में सिखाया गया, बाकी धर्मों में इस चीज के लिए कोई भी जगह नहीं। हमारे धर्म में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े होकर अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन पूछो क्या सवाल पूछना। तो जब भगवान श्री कृष्ण आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप भगवान से कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, तो नो डाउट आप कथावाचकों से भी पूछ सकते हैं। आप हमारे धर्म में सवाल कर सकते हैं और करना चाहिए, हमारे धर्म की खूबसूरती है, लेकिन सवाल भी तो सही हो। अनुराध आचार्य से जो आपको पूछना चाहिए भगवानों को लेकर, आप वो सब पूछते नहीं है। अनुराध आचार्य जो बाकी में कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें बोलते हैं, आप उनके बारे में डिस्कस नहीं करते। आपको डिस्कस क्या करना है, ये पति के ऊपर कैसे बोल दिया, अरे यार ये श्रद्धा के ऊपर कैसे बोल दिया, अरे ये सोशल मुद्दों पर कैसे बोल दिया, ये क्या लॉजिक हुआ इस बात का भाई। आप अनुराध आचार्य के ऊपर क्या एलिगेशन लगाते हैं, और इनके जैसे जितने भी कथावाचक उनके ऊपर आप क्या एलिगेशन लगाते हैं, यही ना कथा के लिए 20-25 लाख रुपए। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कथावाचक अनुराध आचार्य देश के सबसे महंगे कथावाचकों में से एक है। तो क्या गलत है, अभी आप एमवी बंटाय को बुलाना हो, डिवाइन को बुलाना हो, एमसी स्टैन को बुलाना हो, उनका एक शो कराना हो, तो आप पैसे देंगे ना कि वो फ्री में आ जाएगा आपके लिए। जब आप एक आर्टिस्ट को रैपर को पैसा देने के लिए तैयार रहते हैं, तो आपको सारी चीजें कथावाचकों से ही क्यों चाहिए। अगर वो पैसा ले रहा है तो उसमें क्या गलत है। वो नंगे होकर फोटो खिंचाने का पैसा लेके समाज में अश्लीलता फैला के वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे, उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। और संत लोग आपके बच्चों को कह रहे हैं कि भाई गांजा ना पियो, शराब ना पियो, माँ बाप की सेवा करो, समाज की सेवा करके समाज का सही मार्गदर्शन करते हैं, वो संत तेरी गाड़ी में चल रहे हैं, क्या दिक्कत है भाई किसी को। वाकई में गलत चीजें बेचने वाले लग्जरी कारों में घूम सकते हैं, लेकिन बाबा नहीं घूम सकता, कहाँ का सेंस हुआ। आपको आज की डेट में बाबा बिल्कुल वैसा ही चाहिए जैसा आप लोगों ने पढ़ा, भैया जाए जाकर भजन करे, भिक्षा मांगे। नो डाउट साधु और संत ऐसा करते भी हैं। प्रेमानंद जी महाराज जिनके बारे में हम सब लोग जानते हैं, उन्होंने जिस तरीके की तपस्याएं की हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता तो जाके आप सुनिएगा। पीछे आज के 10-12 वर्ष पहले हम वही खा सकते थे जो मांगते हैं, जो मांग के लाए वही, अगर मांगने नहीं गए तो भूखे पड़े रहते थे कुटिया। दवाई के लिए अगर है तो 4 घरों में जाकर वो ऐसे थे जिनसे हम पैसा लेते, फिर वो 1800 की महीने में दवा आती थी। आज लाखों रुपया महीने खर्चा है, दोनों किडनी पे डायलिसिस होता है, दवाइयाँ, ये क्या दशा होती, कौन मांगने से देता। लाडली जी ने कृपा कर दी, देखो सैकड़ों लोग सेवा में, सब व्यवस्थाएं हुई, वो भिक्षा मांग के जीवित रहे, ऐसा तक समय आ गया था उनके जीवन में। इसी वृंदावन में सर्दी में गेहूं के बोरे सिल करके उनको हमने उड़ाया। नो डाउट साधु संत ऐसा करते हैं, लेकिन उनके जीवन का एक पड़ाव होता है, जब वो इसको क्रॉस कर जाते हैं तो नो डाउट उनके इतने भक्त हो जाते हैं जो उनके लिए अच्छी सुविधाओं को उपलब्ध कराते हैं, तब आपको दिक्कत क्यों होती है। मुझे समझ नहीं आता सारे एक्सपेक्टेशन आपको हिंदू संतों से ही क्यों, ये क्यों लग्जरी कार में घूम रहे हैं, ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, यू क्यों ऐसा कर रहे हैं। भाई वो करेंगे, उनको मिल रहा है तो वो करेंगे, मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत क्लियर और कट बोलना चाहूंगा, इस देश में बाबाओं ने, स्पेशली बाबाओं ने बहुत सारे ऐसे कांड किए जिसके बाद आपको इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। और नो डाउट जब आपको पाखंड दिखे, कोई आदमी हाथ में पानी डाल रहा है, वो पानी आपके ऊपर डाल रहा है और उससे आप ठीक हो जा रहे हो, तो नो डाउट आपको ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। और आपके अगर पॉइंटर सही होंगे तो आपके साथ मैं भी खड़ा हूंगा, लेकिन आपके पॉइंटर ही सही नहीं है, वो आदमी कथा के लिए इतना पैसा क्यों ले रहा है, अच्छी कार में क्यों घूम रहा है, फनी और क्यूट बनने की कोशिश क्यों कर रहा है, ये सारी चीजों पर जब आप कॉल आउट करेंगे ना तो मैं आपके साथ खड़ा नहीं हूँ। अनिरुद्ध आचार्य ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसके लिए उसको कॉल आउट किया जाए, लेकिन फिर भी किया जा रहा है। और वहीं पे एक से एक फ्रॉड बाबा यार, जिनके चक्कर में न जाने कितने लोग मर जाते हैं और उनको कोई कॉल आउट नहीं करता। यहाँ मैं वॉट अबाउटरी नहीं करूंगा कि आप सिर्फ हिंदुओं के ऊपर बोलते हैं, क्रिश्चियंस के ऊपर नहीं बोलते या फिर मुस्लिम्स के ऊपर नहीं बोलते, नहीं मुझे वॉट अबाउटरी नहीं करनी यहाँ पे। पॉइंट यहाँ पे सिर्फ इतना रखना है, हमारे धर्म ने हमें सुविधा दी है कि हम अपने लोगों से सवाल कर सकें, उनसे पूछ सकें, तो हमें अच्छी चीजें पूछना चाहिए। और नो डाउट जब कोई गलत करे तो उसे कॉल आउट भी करना चाहिए, लेकिन कब करना चाहिए, जब वो गलत करे। आपके मन के एलिगेशन को लेकर आपको कॉल आउट नहीं करना चाहिए कि कोई आदमी सोशल टॉपिक्स के ऊपर कैसे बोल रहा है, नहीं ये एकदम गलत है। मतलब बताओ उस आदमी को फेक हिंदू कहा जा रहा है जो मात्र 33 साल की उम्र में गौ सेवा करता हुआ आ रहा है। बुजुर्ग माओ के लिए वृद्धाश्रम जिसने बना रखे, चलिए ठीक है, अब आप जब आपके बेटे की और आपकी इच्छा है कोई नहीं है आपकी सेवा करने वाला, तब फिर आप गौरी गोपाल आश्रम में ही रहिए, और ये दास अनिरुद्ध आपका बेटा बनकर, चौथा बेटा बनकर आपकी सेवा करेगा। इसके अंदर हजारों लोग खाना खा रहे हैं, वो आदमी फेक हिंदू, और उसको फेक हिंदू कौन कह रहा है, वो चिंटू जो स्पॉन्सर के पैसे से जाकर बियर पिएगा वो आदमी उसे फेक हिंदू कह रहा है। क्या फेक हिंदू वाले काम इसने कर दिए, प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर दो यार। नो डाउट मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर कोई वाकई में पाखंड बेच रहा है उसका विरोध करो, बिल्कुल खुल के करो।
हर चीज के ऊपर बोलो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन सिर्फ अपने मनगढ़ंत एलिगेशंस को लेके किसी व्यक्ति को इतना ज्यादा टॉर्चर मत करो कि वो आदमी आपसे चिढ़ जाए और वाकई में जो धर्म का काम कर रहा है, जो कथाएं कर रहा है, वो करना बंद कर दे। देखिए, कथा कराने से सिर्फ इस व्यक्ति का अकेला फायदा नहीं होता, उनका भी फायदा होता है जो कथा करवाते हैं। पहली चीज तो ना धर्म लाभ मिलता है, दूसरा अगर वो राजनीति से जुड़ा व्यक्ति है, वो पॉलिटिशियन है, तो नो डाउट इतनी पब्लिक आती है ना इनको सुनने कि उसको भी एक बेनिफिट मिलता है। उसने कथा कराई है, चलो इसको वोट दिया जाएगा, इस तरीके की भी माहौल बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति राजनीति कर रहा है या इस तरीके की चीजों से जुड़ा है, उसे भी फायदा होता है, इन्हें भी फायदा होता है, और साथ ही साथ जो लोग वहां सुनने आए हैं उन्हें भी धर्म का लाभ मिलता है। कथा कराने से सिर्फ एक व्यक्ति का फायदा नहीं होता, बहुत सारे लोगों का फायदा होता है, और ये एक साइकिल है, इससे इकोनॉमी भी चलती है। इनके अगर तुम किसी कथा में नहीं गए तो एक बार जाकर देखना, मेरे विदिशा शहर में ही दो कथाएं हुई है, पिछले साल बागेश्वर धाम की हुई थी, इस साल प्रदीप मिश्रा जी की हुई। दोनों कथाओं में मैंने देखा इस तरीके से पंडाल लगते हैं, उसके सामने बहुत सारी दुकानें, छोटे छोटे लोग पानी पाउच और छोटी छोटी चीजें, भुट्टा मूंगफली ये सब बेच रहे होते हैं, और नो डाउट वो बिकते हैं। उन गरीब लोगों को 7-8 दिन में इतना बढ़िया प्रॉफिट हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन इन सारी चीजों के बारे में कोई बात नहीं करेगा। हम रैशनल थिंकर हैं, लेकिन इन सारी चीजों और इन सारे पॉइंट पर थोड़ी ना बात करेंगे। खैर, अनिरुद्ध आचार्य के ऊपर मेरा सिर्फ इतना ही व्यू था, बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूं। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे अपना ओपिनियन दें। साथ ही साथ अगर आप में से कोई भी व्यक्ति ऑफेंड हुआ है तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं आपकी जितनी भी समस्या उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम है, ये मेरा ट्विटर है, दोनों पे जाके मुझे फॉलो कर लो। बाकी तो सब सेट है। सम्राट भाई बेस्ट, बोलो मेरे साथ जय श्री राम।